रेडियो अग्नि जोश जगाए हर रोज। और इसलिए सावन की अवधि भी जरा ज्यादा है और सावन मास पवित्र संकल्प के लिए, पवित्र कार्यों के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। और आज जब लोकतंत्र के मंदिर में इस सावन के पवित्र मास में मिल रहे हैं, तो लोकतंत्र का मंदिर ऐसे अनेक पवित्र कार्य करने के लिए इससे बड़ा उत्तम अवसर नहीं हो सकता है। मुझे विश्वास है कि सभी माननीय सांसद मिलकर के इस सत्र का जनहित में सर्वाधिक उपयोग करेंगे। संसद की जो जिम्मेवारी है और संसद में हर सांसद की जो जिम्मेवारी है, ऐसे अनेक कानूनों का बनाना, उसकी विस्तार से चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है। और चर्चा जितनी ज्यादा होती है, चर्चा जितनी ज्यादा पैनी होती है, उतना जनहित में दूरगामी परिणाम देने वाले अच्छे निर्णय होते हैं। सदन में जो माननीय सांसद आते हैं, वो धरती से जुड़े हुए होते हैं, जनता के दुख दर्द को समझने वाले होते हैं। और इसलिए जब चर्चा होती है तो उनकी तरफ से जो विचार आते हैं, वो जड़ों से जुड़े हुए विचार आते हैं। और इसलिए चर्चा तो समृद्ध होती है, निर्णय भी सशक्त होते हैं, परिणामकारी होते हैं। और इसलिए मैं सभी राजनीतिक दलों को, सभी माननीय सांसदों को इस सत्र का भरपूर उपयोग करके जनहित के कामों को हम आगे बढ़ाएं। ये सत्र अनेक रूप से महत्व का भी है, क्योंकि इस सत्र में जो बिल लाए जा रहे हैं वो सीधे सीधे जनता के हितों से जुड़े हुए हैं। हमारी युवा पीढ़ी जो पूरी तरह डिजिटल वर्ल्ड के साथ एक प्रकार से नेतृत्व कर रही है, उस समय डेटा प्रोटेक्शन बिल देश के हर नागरिक को एक नया विश्वास देने वाला बिल है और विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला बिल है। उसी प्रकार से नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये बिल एनआरएफ नई शिक्षा नीति के संदर्भ में एक बहुत बड़ा अहम कदम है और इसका उपयोग अनुसंधान को बल देना, इनोवेशन को बल देना, रिसर्च को बल देना और हमारी युवा पीढ़ी जो विश्व के अंदर नए उपक्रमों के द्वारा विश्व का नेतृत्व करने का सामर्थ्य रखती है, उनके लिए बड़ा अवसर देकर के आ रही है। जनविश्वास बिल सामान्य मानवीय के प्रति भरोसा करना, अनेक कानूनों को डिक्रिमिनलाइज करना, इस मुहिम को आगे बढ़ाने वाला ये बिल। उसी प्रकार से जो पुराने कानून है उनको खत्म करने के लिए भी एक बिल में प्रावधान किया जा रहा है। हमारे यहां सदियों से एक परंपरा रही है कि जब विवाद हो तो संवाद से सुलझाया जाए, मीडिएशन की परंपरा हमारे देश की बहुत सदियों पुरानी है, उसको अब कानूनी आधार देते हुए मीडिएशन बिल लाने की दिशा में
इस सत्र का बहुत बड़ा उपयोग है जो अनेक विवादों से सामान्य मानवीय से लेकर के असामान्य संजोगों को भी मिल बैठकर के सुलझाने का एक मजबूत नींव बनाएगा। इसी प्रकार से डेंटल मिशन को लेकर के एक बिल जो हमारे डेंटल कॉलेजेस के लेकर मेडिकल के छात्रों के लिए एक नई व्यवस्था को आकार देगा, ऐसे अनेक महत्वपूर्ण बिल इस बार इस सत्र में संसद में आ रहे हैं। तब ये जनहित के हैं, ये युवा हित के हैं, ये भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हैं। मुझे विश्वास है कि सदन में गंभीरतापूर्वक इन बिलों पर चर्चा करके हम बहुत तेजी से राष्ट्रहित के महत्वपूर्ण कदमों को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्थाओं को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्म्य, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी शक्ति से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। मणिपुर में जो हिंसा हुई है, मणिपुर में जो कृत्य को अंजाम दिया गया, उसकी उन्होंने भर्त्सना भी की है और कहा है कि जो भी इसके दोषी हैं उनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो उन्होंने आज संसद सत्र में किन बिलों को लाया जाएगा उसका भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि सभी सांसद सत्र में सहयोग करेंगे। और मणिपुर का जो वीडियो सामने आया, उस पर भी प्रधानमंत्री बोले हैं कि ऐसी हरकत शर्मनाक है और पूरे देश की बेइज्जती इस वीडियो के सामने आने के बाद हुई है। मणिपुर की घटना दुखी करने वाली है, ऐसा पीएम ने कहा, और मणिपुर के दोषियों को छोड़ेंगे नहीं, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा है। तो बेइज्जती पूरे देश की हो रही है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। मेरा हृदय पीड़ा से भरा है, क्रोध से भरा है, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा है। और मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वक्तव्य रखा और मणिपुर की